हेलो फ्रेंड्स, मैं कुछ दिन पहले प्रगति मैदान गई थी, तो आइए आपके साथ शेयर करती हूँ मेरा एक्सपीरियंस। यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा हुआ था, तो गेट पे सब डिटेल्स थी। हम डायरेक्टली आ गए पेविलियन नंबर 2 पे, हॉल नंबर 2 पे, सॉरी। वहाँ पे सब स्टेट्स के अलग अलग पेविलियंस लगे हुए थे, हर स्टेट के अकॉर्डिंग डेकोरेशन हो रखा था। बहुत ही सुंदर, इतना प्यारा लग रहा था ना सब देख के, मतलब मैं तो खो ही गई थी। फिर यहाँ हम मेनली 10, आई थिंक 14 हॉल्स हैं, बट हम इस हॉल में आए थे बिकॉज़ यहाँ पे सब स्टेट्स का हैंडीक्राफ्ट, जिन स्टेट्स का हमें इंटरेस्ट था हम वहाँ पे गए थे। मतलब मम्मी को बेसिकली कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट चेकआउट करना था, तो हम इधर आए थे। एंड इधर और भी खादी का था, देन हमारा अलग अलग स्टेट्स, बिहार, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इस तरह से सब स्टेट्स का अलग अलग लगा हुआ था। ये देखो कितना प्यारा ऐसे मंदिर का मॉडल बनाया है उत्तर प्रदेश के पेविलियन में। इस तरह से बहुत ही सुंदर सुंदर मॉडल्स थे। कहीं कहीं पे तो जो इंडस्ट्रियल मॉडल्स भी बनाए हुए थे। बहुत ही मज़ा आ रहा था, देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम उस स्टेट से बाहर हैं, वो मॉडल में ही खो जाते थे। ये देखिए झारखंड का पेविलियन है, कितना सुंदर सजाया हुआ है। हम इतना अच्छा आर्ट वर्क देख के ना ऐसे अलग इंस्पिरेशन ही मिला था। मैं एक्चुअली खाली यही सब देखने गई थी क्योंकि ऐसी जगह जाने से ना बहुत ही अच्छे अच्छे इंस्पिरेशंस मिलते हैं, तो ये सब आर्ट इंस्पिरेशन मिलते हैं एंड पता चलता है क्या क्या है। अच्छा देखो, एक है ना बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखाती हूँ मैं, शायद तक मिस हो गया। नहीं, ये देखो इतना प्यारा लग रहा था, इतना बड़ा कुर्ता बनाया था। मैं मम्मी को दिखा दिखा के जोर जोर से हंस रही थी, 2 मिनट बैठ के मैं हंसी हूँ फिर आगे बढ़ी हूँ। ये कुछ स्टॉल्स मम्मी को अच्छे लग रहे थे, बट फिर मम्मी को कुछ पसंद नहीं आया और फिर हम आगे चले गए। मैं तो ये निहारने गई थी, फिर भी थोड़ा बहुत तो शॉपिंग हो ही जाता है। बट ये ना, ये एक बंजारन टाइप सब काम का, आई थिंक ये सब बंजारन आंटी से थी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोदी जी का कटआउट स्टैंडी था एंड लोग ऐसे फोटो खिंचवा रहे थे जैसे कि है ना मोदी जी के साथ ही फोटो खींच रही हो। यहाँ पे ये बहुत बढ़िया पॉइंट था, ये एक पॉइंट था। यहाँ से पूरा फेयर दिखता था, वहाँ पे ऐसे ईटिंग का पूरा फूड कोर्ट था एंड अलग अलग कल्चरल फेस्टिवल्स हो रहे थे, बहुत ही बढ़िया था। इस साल अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है तो नेक्स्ट ईयर पक्का से जाना। उसके डेट्स वगैरह ऑनलाइन चेक कर के ही जाना, ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है टिकट की एंड आराम से जा सकते हैं। ये बीच में देखो, ये कर्नाटक का, वाह, मतलब लोगों का काम देखो वहाँ पे, अलग अलग जो हैंडक्राफ्ट होते हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले होते हैं वो सब आते हैं इसमें एंड बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, अलग अलग तरह से बहुत मज़ा आता है देखने में ही। देखो ये वेस्ट बंगाल का पेविलियन है, यहाँ बहुत ही सुंदर सी 2 जगह पे दुर्गा जी की मूर्ति का लोगों ने मॉडल बनाया था, बहुत ही सुंदर था। एंड ऑफ कोर्स वहाँ का जो लोकल जो भी क्राफ्ट वगैरह था वो, ये देखो ये कर्नाटक का इतना सुंदर स्टॉल बनाया है। मैं मेरी फ्रेंड के साथ में वीडियो शूट कर रही थी एंड उसको बोल रही थी थोड़े मेरे भी कर दे प्लीज़। ऐसे एक दूसरे के साथ मिलके वीडियो शूट करने से रिक्वेस्ट करना पड़ता है ना। और मम्मी देखो, मम्मी तो ये आर्ट वर्क में पूरी खो ही गई थी। फिर हम बोलते चलो चलो आगे चलते हैं,
मतलब अगर आपको पूरा ट्रेड फेयर देखना है ना, तो बहुत सुबह आओ जैसे स्टार्ट होता है एंड फिर शाम तक रहो, एंड आई गेस 2 दिन तो मेरे हिसाब से चाहिए ही अगर आराम से घूमना है। ये एक फार्म का मॉडल बनाया था जिसमें मेरे बेटे को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि उसकी नर्सरी राइम के सारे एनिमल्स इधर थे एंड ये सब मॉडल में बहुत मज़ा आ रहा था उसको। मम्मी के साथ में हम बहुत एक्सप्लोर कर रहे थे, मज़ा आ रहा था। मेरे बेटे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था तो हमने छोड़ दिया। ये आर्टिफैक्ट्स देखो, इतना बढ़िया काम, एंड ये लोग बोल रहे थे कि उन्होंने सब हाथ से बनाया है, सब ऐसा जस्टिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ की जो प्राइसिंग वगैरह होती है। एंड इतना कॉस्टली थी नहीं कुछ चीज़ें, मतलब अब जो है तो प्राइस मतलब लोगों को लगना ही होता है। ये मॉडल देखो, एक इंडस्ट्रियल मॉडल, ये देख के तो ना उसमें बहुत ही मज़ा आ गया था। मतलब वर्किंग मॉडल था वो, एंड ये मैंने कहा एक आध क्लिप तो मेरा होना ही चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए कि मैं कैसे घूम रही थी। एंड मैं सीरियसली मेरे फ्रेंड को रिक्वेस्ट करा कि प्लीज़ यार मेरा एक छोटा सा वीडियो ले ले। और ये ही एक जगह थी जहाँ पे थोड़ा सा भीड़ कम लग रही थी, बाकी जगह बहुत भीड़ थी कि सिर्फ फ़ोन निकालने में भी मतलब डर लग रहा था। एंड हम लोग बहुत मज़े कर रहे ऐसे सब देख के ना बच्चों को बहुत मज़ा आता है। ऑल्दो कि वहाँ पे इतनी चीज़ें नहीं थी बच्चों के लायक, बट स्टिल लोगों को भीड़ में देखना, फिर हम लोग को एंजॉय करते हुए देखना, खाने वाने की चीज़ें, ये देखो मम्मी शॉपिंग करते हुए, एंड फाइनली हम लोग को मिल गया कश्मीर का पेवेलियन जिसके लिए मम्मी हमें लेकर आई थी। एंड काफी घूमने फिरने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, मम्मी ने बहुत कुछ खरीदा था, मेनली हम लोगों के लिए ही खरीदा था। सब उनके, हम सब बच्चे हैं उनके लिए ही वो गिफ्ट खरीदने के लिए जाती हैं कहीं भी जाती हैं तो। एंड उन्होंने मुझे बहुत ही औसम औसम चीजें दिलाई। ये पूरा कश्मीर का मैं कोशिश कर रही थी कि कुछ अच्छे शॉट्स आए, बट भीड़ देखो, भीड़ इतनी थी। एंड हम लोग वीकडे में गए थे और मैं सोच रही थी अगर हम वीकेंड पे गए होते तो क्या हालत होती थी। बहुत ही भीड़ थी, मतलब वीकडे में दोपहर के टाइम इतनी भीड़ थी, सोचो शाम को क्या हाल हो गया होता। एंड ये जो हिमाचल का स्टॉल पीछे गया, यहाँ पे हमने एप्पल जूस पिया था, बहुत अच्छा। देखो मैं वेस्ट बंगाल में बोल रही थी ना, दुर्गा जी की मूर्ति कितनी सुंदर बनाई है, पूरा ऐसे जैसे दुर्गा पूजा के टाइम होता है वैसे। और ऐसे एक अंदर भी एक थी, वो भी बहुत प्यारी थी, देखो बहुत ही अच्छा, एकदम मजा आ गया सब देखने में, लोगों को देख देख के। फिर मेरे बेटे ने रोना शुरू किया कि हाँ आप लोग शॉपिंग कर रहे हो, मुझे भी टॉयज चाहिए। तो अब हम देख रहे हैं सब जगह कपड़े, डेकोरेशन का सामान, कहाँ ढूंढे क्या ढूंढे। जैसे ये आसाम का स्टॉल है, यहाँ पे भी सब खाने का सामान, कपड़े, वहाँ के लोकल जो भी थे, अचार, मतलब ऐसी चीज़ें जो शायद वहाँ पे आसाम में जाके भी बहुत मुश्किल से हम लोग को ढूंढने में मिलती है, वो सब चीज़ें यहाँ पे थी, बट खिलौने ही नहीं मिल रहे थे। तो फिर हम निकले, ढूंढा इधर उधर सब जगह, बहुत मुश्किल से पूरा ढूंढने ढांढने के बाद में हम लोग को खिलौने मिले। और यहाँ पे सब मतलब मेरा ससुराल आसाम का है, तो मेरे सब यहाँ पे मैं लोगों से बात बात कर रही थी कैसे हो क्या हो, मतलब काफी दूर से आते हैं ना वो लोग, तो उन लोग को काफी अलोन लग सकता है, तो ये सब मैं पूछ रही थी। हम ढूंढ रहे थे क्या है कुछ, मतलब ऐसा था मेंस वेयर भी बहुत मुश्किल से ढूंढने के लिए लग रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी। लेडीज लेडी, ये नागालैंड का था, मुझे बहुत एक्साइटमेंट था कि वहाँ का ऑथेंटिक कुछ तो मिलेगा, बट नहीं, ये सब मुझे ऐसा लग रहा था यही दिल्ली का उठा के लगा दिया। एक तो वो गली ऐसी छोटी सी थी, शुरू होते ही खत्म हो जाने वाली,
वहाँ हम गए और फिर कुछ भी ऐसा मिला नहीं। फिर सैड होके मैं आ गई। मुझे बेसिकली मेरे भाई के लिए एक जैकेट लेनी थी, टिपिकल वो नागालैंड वाली, बट वो नहीं मिली। देन फिर हम ये गुजरात के स्टॉल में आई। यहाँ से भी मैंने मोती के तोरण, तोरण मतलब डेकोरेशन का है वो, बहुत प्यारा सा वो लिया है। मैं ज़रूर कहीं पे होगा तो आपको साथ शेयर करूँगी। तो ये सब फिर हमने इतना ढूंढने के बाद में यहाँ भी देख रहे थे कहीं कुछ मिल जाए। ये दिल्ली का पेविलियन था। यहाँ पे भी सब ऐसी चीज़ें जो मेरे बेटे के कुछ काम की नहीं थी। हाँ ये देखो, ये इतना प्यारा म्यूरल बनाया था ना, बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर हम ढूंढ रहे हैं, पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेट हो गई है, घर भी जाना है, बिकॉज अंधेरा काफ़ी होने लगा था। ठंड की वजह से जल्दी दिन छुप जाता है। एंड हमें वापस आना था, हमें एटलीस्ट 2 घंटे लगते घर पहुंचने में। तो फिर भी हम निकले थे, ढूंढ रहे थे, पर मतलब ढूंढने के तो बहाना था। मम्मी थक चुकी थी तो उनको और बेटे को एक जगह बैठा के हम लोग थोड़ा और एक्सप्लोर करने निकल गए थे। एंड ये सिर्फ हम लोगों ने एक ही हॉल में ढूंढा देखा है, बाकी और 10-11 हॉल्स बाकी थे। उसमें जाने की तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी मेरी, बट स्टिल हमने यहाँ पे भी है ना, मतलब क्या होता है ना, मैं जितनी बार गई हूँ उसमें कुछ एक दो हॉल्स होते हैं स्पेसिफिकली वहाँ पे ही ऐसे स्टेज के जैसे लगते हैं, वो बहुत सुंदर होता है देखने का। बाकी सब इंडिविजुअल एक एक होते हैं, उसमें इतना मज़ा नहीं आता है क्योंकि ये स्टेट वाइज कैटेगराइज होते हैं। वहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती हैं इंडस्ट्रियल लोगों को एक्सपोजर देने के लिए। एंड ये काफ़ी हद तक हम जैसे आम लोग के लिए होते हैं ऐसे, ये एक एक दो हॉल होते हैं। तो भी हम ये देख रहे थे, यहाँ पे एक दीदी थी वो ऐसे खुद बुन रही थी एंड बता रही थी कि ये मैंने बुना है। एंड ये हम वापस जाने के लिए निकले हैं, एकदम ऐसे लाइट्स के साथ फेस्टिव माहौल था, एकदम चकमक चकमक, बहुत मज़ा आया। इसी के साथ हमारा व्लॉग ख़त्म हो गया है। आशा करती हूँ आप लोग को भी अच्छा लगेगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।